हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मिस्टर यूस यूट्यूब चैनल। स्वागत कर रहे हैं आप सभी दोस्तों को। तो आज हम जाने वाला है तेजपुर टू तवांग। तो हम अभी होटल से निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं। एंड बहुत असम में तो बहुत गर्मी है, तो यार तो बाहर में देखते हैं हम लोग क्या होता है। अच्छा, तो बाहर में तो थोड़ा थोड़ा बारिश दे रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं रूम पर। तो मैं कॉल करता हूँ मेरे ड्राइवर को, हम लोग का घर काम है। सो गाइस, अभी हम लोग निकलने वाला है। तो अभी हम फिलहाल गाड़ी में पहुँच गया, बैठ गया और ये है मेरा दोस्त श्रीवंतो और ये और एक फिलहाल जी और एक फिलहाल। तो हम लोग अभी आके एक दो दिन हो गए, जाने वाले कितना टाइम लगेगा और रास्ते में क्या क्या मिलेगा देखने को मिलेगा आप लोग को मैं दिखाऊंगा। और इसलिए तो फिर चलते हैं अपने मंजिल तक। फाइनली हम लोग अभी तेजपुर से भलकुम पहुंच गया और यहाँ में चेकिंग मतलब कुछ पास दिखाना है। तो आप लोग अभी पास दिखाए हम और दूर जाएंगे और कितना मिनट लगेगा और देखते हैं। अभी हम पास दिखाने जा रहे हैं। सो गाइस, हम लोग पास दिखा के हो गए, आप लोग जा रहे हैं। तो कुछ लेके हम लोग निकलने वाले हैं, तो अभी जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा थोड़ा बारिश में जा रहे हैं और आगे तक ऐसे बारिश होने से रास्ता तो बहुत प्रॉब्लम होगा। एंड देखिए आगे तक बारिश होगा कि नहीं होगा। चलिए तो फिर जाते जाते मुझको अभी हम लोग भलपुंग क्रॉस करके अभी सेसा पहुंच गया और यहाँ में नाश्ता करने वाले हैं हम लोग। और नाश्ता में क्या क्या मिलेगा और हम लोग देखते हैं। चलो चलो वो ना और नाश्ता में क्या क्या मिलने हैं आप लोग को बताएंगा। ये है होटल, तो हम लोग अभी जा रहे हैं होटल पर, तो हम लोग नाश्ता करने वाला है। तो नाश्ता में क्या क्या मिलने हम लोग फाइनली अभी होटल में बैठ गया है और हम लोग नाश्ता करने वाले हम लोग क्या खाएंगे पूरी खाएंगे। और ये भाई हम लोग का दोस्त ये श्रीवंतो, भाई क्या खाएंगे आप? तो गाइस, तो हम अभी पूरी खा के हो गया। तो बिल कितना हुआ देखते हैं ना, कितना होगा मतलब। पूरी तीन खुलिया, पूरी तीन खुलिया और पानी बोतल एक खुलिया, एक जाना ना एक। तो एक ही हो गया बोला, तो ये दीजिए पैसा। तो चलते हैं आगे तक। और ये होटल बहुत ही अच्छा है, सब्जी का खाना अच्छा था, सब्जी मिलते। तो आप लोग भी आ सकते हैं हमें और भलकुम से थोड़ा दूर ये होटल जो कीपी में होता है वही होटल से पेट्रोल पंप का सामने ये होटल है। तो आप लोग भी आ सकते हैं, अभी खाने का अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और मीट भी सब अवेलेबल मिलेगा आप लोगों को। सो गाइस, हम लोग अभी होटल से निकल चुके हैं, तो जाते हैं आगे तक। और रास्ता तो ब्लॉक है बोला वैसे, तो आगे तक क्या होगा देखते हैं। अभी खुल गया कि नहीं खुला, खुला होता है तो अभी और हम लोग कुछ गाड़ी के अंदर कुछ खाने के लिए कुछ सामान लेते हैं। गाइस, जिस रास्ते में ब्लॉक होगा बोल के बोला था ना हमने, वो आप ब्लॉक का रास्ता में अभी पहुंच गया है। और ये देख लीजिए आप लोग का ये नज़ारा, सब गाड़ी अभी रुका हुआ है, वो नीचे से बहुत लाइन खड़ा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं। और देखते हैं क्या हो गया ब्लॉक। एंड चलिए तो फिर आगे तक देखते। ये देखिए गाइस, ये है अरुणाचल प्रदेश सेसा। ये पानी देखिए, देखो बारिश की वजह से पानी भी उसका वो मतलब गंदा हो गया। और बारिश नहीं होने से ना ये पानी जो बोर से साफ है, मतलब थोड़ा सा ग्रीन 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 होकर मतलब दिखाई देगा आपको। तो ये देखिए, और ये नदी जो ना चाइना से आते हैं शायद, मुझे भी इतना पता नहीं है, बट इतना तो पता है ये जो रास्ता, ये जो ना नदी जो ना जंग से आता है, जंग से और आगे कहाँ से आता है वो तो पता नहीं मालूम है। तो हम तवांग जाने के बाद ही ये पानी कहाँ से आता है, चाइना से आता है ना कहाँ से आता है वो तो मालूम होगा। तो चाइना से आता होगा क्योंकि चाइना बॉर्डर सामने है उधर से।
एंड देखिए गाइस यहाँ का नज़ारा देखिए, ये देखिए। देख सकते हैं हमें तुम्हारे बारे में सही होते हैं बारिश की वजह से, तो आप लोग देख सकते हैं पानी किचड़ हो गया और हमें बारिश होने से ही हमेशा ही हमें होते रहते हैं और बहुत ही डेंजर हो रही है रास्ता जो ना। देखो ये पहाड़ ही पूरा टूट गया, देखो तो ऊपर से नीचे टूट गया ये जगह है और बारिश होने से और भी टूटेगा ये, क्योंकि इधर से पानी निकल रहा है और बारिश भी थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, तो बारिश होने से और भी ये इतना डेंजर जगह है। आप लोग देख सकते हैं असली मज़ा तो ये भी पुणे अरुणाचल प्रदेश, तो ये जगह बहुत ही मज़ा अच्छा लगता है और आप लोग भी देख सकते हैं लास्ट तक देखिए बहुत ही मज़ा आएगा। और हम लोग अभी हम पहुँच गए, तो अभी हम खाने वाले हैं, चिकन खाने वाले हैं और पोर्क खाने वाले हैं, तो बहुत मज़ा है उसके बाद और जाते हैं तवांग तक और बहुत दूर जाने वाला और तीन यहाँ से दो तीन चार घंटा लगेगा जाने के लिए, तो हम लोग अभी खाना खा के रेडी होके फिर जाने वाले हैं। तो फिर चलिए तो फिर खाना खाते हैं फिर गाइस। हम लोग होटल में खाना खा के अभी निकल चुके हैं, तो अभी यहाँ से दो तीन घंटा लगेगा तवांग पहुँचने के लिए, तो फिर ही अभी तो बहुत मजा आएगा लास्ट तक देखिए, तो चलिए फिर आगे तक चलते हैं क्या होता है। जग सारा फेरे आमा तुझे सारा कोई पावा तो ये नज़ारा देख सकते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फिर कमेंट में बता दीजिएगा ये व्यू पॉइंट आप लोगों को कैसा लगा, तो ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी आ सकते हैं तवांग, तो तवांग आने से आप लोग तो ये नज़र। अभी हम तवांग पहुंच गए, इतना रात हो गया अभी तो रास्ता ब्लॉक था, इसलिए आने के लिए वो देर हो गया, तो बहुत ही हो गया। तो सो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, अब इसे सपोर्ट करना और शेयर करते रहना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, और आप लोग मुझे सपोर्ट करने से मुझे नेक्स्ट वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा अच्छा बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, और यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।